हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डेल्टा MS300 ड्राइव के पैरामीटर को हम PLC में कैसे रीड करते हैं। जैसे ड्राइव के आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो गई, DC वोल्टेज हो गया, इनपुट फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये सब पैरामीटर को अगर हमें PLC में और HMI में डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए हमें ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं और हमें इसके लिए PLC में क्या प्रोग्राम करना होता है, ये सब सीखेंगे। तो सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव के पैरामीटर सेट करेंगे, उसके बाद हम PLC की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ड्राइव और PLC के कम्युनिकेशन के लिए हमें ड्राइव में कम्युनिकेशन पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो कम्युनिकेशन पैरामीटर सेट करने के लिए हमने ड्राइव का यूज़र मैनुअल लिया है। इसमें पैरामीटर ग्रुप 09 कम्युनिकेशन पैरामीटर का ग्रुप होता है, 09 कम्युनिकेशन पैरामीटर का ग्रुप होता है ड्राइव के। इसमें सबसे पहले हम ड्राइव का कम्युनिकेशन एड्रेस सेट करते हैं, उसका पैरामीटर है 09-00। इसमें हमें ड्राइव का एड्रेस सेट करना होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम मोड में जाने के लिए मोड की को प्रेस करते हैं, एक बार और प्रेस करेंगे। FRD जब लिखा आएगा उसके बाद हम इंटर की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप 09 है, अप डाउन की को प्रेस करके हम 09 पैरामीटर ग्रुप में आ जाएंगे। 09 आ गए, उसके बाद इंटर की को प्रेस कर देंगे। पैरामीटर ग्रुप 09.00, इंटर की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2 है। अभी हमने ड्राइव का जो एड्रेस है 2 डाला है। अभी 2 करने के बाद जो भी हमें एड्रेस डालना है यहाँ पे सेट करेंगे, उसके बाद हम इंटर क्यू को प्रेस करेंगे। तो अभी हमने 2 सेट किया, इंटर कर देते हैं। उसके बाद पैरामीटर आता है 09-01, यहाँ पे स्पीड सेट करनी होती है, बाउड रेट। तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 9.6 है, इंटर करते हैं, 9.6 है, इसे हम 9.6 ही रहने देते हैं। उसके बाद आता है पैरामीटर ड्राइव का प्रोटोकॉल 09-04 में हमें ड्राइव का प्रोटोकॉल सेट करना होता है। मोड की को प्रेस करते हैं, 09.04, एंटर करते हैं। यहाँ पे अभी 14 से 14 का मतलब होता है 14 का मतलब है 8 बिट, इवन प्रायोरिटी, स्टॉप बिट 1। तो अभी ड्राइव में 8E1 सेट है। 8E1 सेट करने के लिए हमने 14 सेट कर दिया है। तभी हमारा ड्राइव 8 बिट इवन प्रायोरिटी स्टॉप बिट 1 में सेट हो गया है। कम्युनिकेशन के लिए हमें ये 3 ही पैरामीटर सबसे पहले सेट करने होते हैं। ये सेट करने के बाद हम मोड की को प्रेस करके प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम अब PLC के प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। हम PLC में प्रोग्राम डेल्टा WPL सॉफ्ट के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे PLC का। हमने अभी SS2 PLC दिया है, SS2 सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, तो कॉम 3 से हमारे PLC कम्युनिकेट है, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, हमारा प्रोग्रामिंग विंडो ओपन हो गया है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन सेट करेंगे, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। अभी हम जो PLC और ड्राइव का कम्युनिकेशन है हम COM2 के थ्रू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे COM2 सेलेक्ट कर लेंगे। जो ये 485 का जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये COM2 है, इसलिए हमने यहाँ पे COM2 सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे LDM 1000 एक बिट लेंगे, LDM 1000, और इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन होल्डिंग पर क्लिक कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे 8 बिट लिया था, इसलिए 8 बिट पर क्लिक कर देंगे। इवन प्रायोरिटी है और स्टॉप बिट 1 है, और हमने बाउड रेट है 9600 लिया था, 9
पिछले हमने यहाँ पे 9600 रहने दिया। इसके बाद हम पीएलसी का एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हमने बीएफडी का एड्रेस डाला था वैसे यहाँ पे हम पीएलसी का एड्रेस डालेंगे। अब पीएलसी का एड्रेस 1 डालेंगे, 1 ही है। उसके बाद हम फॉर्मेट है, डाटा का फॉर्मेट हमने आरटीयू लिया था, इसलिए हम यहाँ पे आरटीयू सेलेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे 8 बिट लेंगे। हम यहाँ पे कम्युनिकेशन टाइम आउट डाल देते हैं 200 सेकेंड, और उसके बाद रिसेट फ्लैग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कम्युनिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारा बेसिक जो कम्युनिकेशन का सेटअप है वो सेट हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कमांड लिखनी होती है सेंड रिक्वेस्ट के लिए, ld स्पेस m1013 एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। सेट करेंगे सेट m1122 मेमोरी बिट, ये सेंड रिक्वेस्ट करने के लिए मेमोरी बिट है m1122। उसके बाद हम ड्राइव के लिए प्रोग्राम लिखेंगे कि हमें प्रोग्राम कैसे रीड करना है। तो हम सबसे पहले एक काउंटर लेंगे, ld काउंटर को रन करने के लिए एक मेमोरी बिट लेते हैं ldp m1013। ये क्लॉक पल्स है, 1 सेकंड की क्लॉक पल्स है। इस क्लॉक पल्स के थ्रू हम काउंटर को ऑन ऑफ करेंगे, काउंटिंग चेंज करेंगे काउंटर की। काउंटर का कमांड होता है cnt, C0 काउंटर नंबर है और इसकी बिट लेते हैं हम 2, एंटर, मतलब काउंटर 2 तक ऑन होगा। उसके बाद जैसे ही काउंटर कंप्लीट होता है उसी से हम काउंटर को रिसेट कर देंगे, काउंटर की डन बिट से ही काउंटर को रिसेट कर देंगे। ld C0 एंटर, रिसेट की कमांड होती है RST C0। जैसे ही काउंटर डन होगा उसी काउंटर के डन बिट से ही हम काउंटर को रिसेट कर देंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम ड्राइव से पैरामीटर रीड करने के लिए कमांड लिखेंगे, ld जब काउंटर की वैल्यू 0 हो, ld इक्वल टू C0 काउंटर की वैल्यू के 0 हो तो मोड रीड का कमांड होता है mod rd मोड रीड। यहाँ पे हम ड्राइव का एड्रेस जो k2 है, k2, उसके बाद हम मोड बस एड्रेस लेंगे। ये मोड बस एड्रेस है ड्राइव के। अगर हमें ड्राइव का आउटपुट वोल्टेज रीड करना है तो उसका एड्रेस है 2106। अभी हम एक बार रीड करके देखते हैं आउटपुट वोल्टेज ड्राइव का। तो एड्रेस है हेक्सा 2106, हेक्सा 2106 आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद हम K1 तक लेंथ लिखेंगे यहाँ पे K1, K1 का मतलब है लेंथ, कहाँ तक लेना है। उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। ड्राइव के जो पैरामीटर रीड होते हैं एक डाटा रजिस्टर में सेव होते हैं, डाटा रजिस्टर यहाँ पे एक मूव की कमांड लिखेंगे, मूव D1050, D1050 से D1055 तक हमें डाटा रजिस्टर में सेव होते वैल्यू जो रीड होगी। हम इसको D20 में मूव कर देते हैं। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ड्राइव को एक बार रन करते हैं, हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। अभी ड्राइव 35 पे है, अब हम इसको 50 करते हैं। 50 में यहाँ पे 210
220 वोल्टेज के आसपास हमें वोल्टेज शो कर रहा है यहाँ पे। अब ये सिंगल फेज की ड्राइव है इसलिए हमें यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पे ड्राइव का आउटपुट वोल्टेज रीड किया है। अब हम इसको एक बार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का एड्रेस है 2103। यहाँ पे 2103 सेट करते हैं, 2103 और एंटर कर देते हैं। अब हम डाउनलोड कर देते हैं प्रोग्राम को। अभी हम देखते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। कम करके देखते हैं, 45 किया हमने जैसी, तो यहाँ पे भी 45 आ गया। और कम करके देखते हैं, 31.7। तो इस तरह से हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमने सेट कर देख ली। अगर हमें और भी पैरामीटर सेट करने हैं, जैसे हम फ्रीक्वेंसी कमांड, तो यहाँ पे हम सेट करते हैं फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए, यहाँ 2 डालते हैं। हम एक ही साथ इसके 5 डाटा को रीड कर लेते हैं और इंटर करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि डाटा क्या क्या आ रहा है ये मॉनिटरिंग के लिए। यहाँ पे मॉनिटर देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। D1050 एड्रेस है, D1050 लेंथ यहाँ तक 5 डाल देते हैं। अब जो है डाटा लेंथ D1050 से D1054 तक हमने 5 लेंथ लिया है। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 पैरामीटर रीड कर लिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, करेंट, ये DC वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज। एक बार रन करके देखते हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो रही है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 25। इसके बाद ये वोल्टेज DC वोल्टेज, उसके बाद करंट, ये करंट है, उसके बाद ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से हम ड्राइव के पैरामीटर को रीड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।